हेलो फ्रेंड्स, भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एमएसडब्ल्यू के सभी बुक्स जो लिखे हुए बुक्स हैं उसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि देखिए कैसे ये चारों बुक तैयार हो गया है। उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यूसी इसके डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के भी स्टूडेंट हैं, तो अगर फील्ड वर्क जनरल के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए दिया हुआ है, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए। ये चारों जैसे जनरल हैं, है ना। इस चारों जनरल का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है, इसके सॉफ्ट कॉपी में भी होता है और जैसे ये हार्ड कॉपी में मटेरियल है तो वैसे भी अवेलेबल होता है, ताकि आपको हेल्प हो जाए, आप इसके अकॉर्डिंग अपना जनरल अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एमएसडब्ल्यू में जनरल प्रिपरेशन ही सब कुछ है। ये अकेले एक बुक 200 मार्क्स का है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अकेले 200 मार्क्स का है। ऐसे ही ये दो, ये 400, 600 और 800, यानी कि 800 मार्क्स का ये है। आप सोचिए, 800 मार्क्स में 400 मार्क्स तो इंटरनल है और 400 एक्सटर्नल है, ठीक है। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चारों जर्नल आपके लिए। इसलिए अगर इसे ढंग से बनाते हैं तो ना सिर्फ आपका मतलब डिग्री अच्छा हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा, बल्कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो जो आपका ओवरऑल परसेंटेज बनेगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 800 मार्क्स तो यहीं आपको मिल जाएगा। तो उधर असाइनमेंट में और थ्योरी पेपर में थोड़े कम मार्क्स भी आए तो अच्छा खासा परसेंटेज मिल बनेगा, जिससे आपको आगे के फ्यूचर में चाहे आप जेआरएफ नेट वगैरह करें, बाकी जगह जॉब वगैरह में बहुत फ़ायदा करेगा ये चीज़। तो इस जनरल को बहुत अच्छे से बनाइए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जनरल में बहुत ज़्यादा लोग फेल कर जाते हैं, जनरल एक्सेप्ट नहीं होता है। इंटरनल में तो हो जाता है, जब एक्सटर्नल सेंटर पे जनरल आता है दिल्ली, यानी कि मैदानगढ़ी चेक होने के लिए, तो वहाँ अगर दिक्कत होता है तो जनरल रिटर्न कर दिया जाता है या जनरल आप फेल कर दिए जाते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो। तो इससे बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि जनरल का मटेरियल पहले ले लीजिए, उसको समझिए और फिर जनरल लिखिए अपने अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जनरल में क्या होता है कि जैसे आप थ्योरी पेपर में अगर आप फेल कर जाते हैं तो रीएवलुएशन, रीचेकिंग होता है, जनरल में ऐसा नहीं होता है। आप एक बार फेल कर गए तो कर गए। तो ये देख लीजिए, ऐसे चार बुक आपको इग्नू से मिलता है, ठीक है। ये चार बुक, जैसे एमएसडब्ल्यू 13 का मैं दिखा रहा हूँ, ये 13 का बुक है, ये प्रिपेयर रहेगा चारों। देखिए ये पूरा प्रिपेयर बुक ऐसे लिखा हुआ, एक झलक बस दिखा देता हूँ चारों बुक का, छोटा सा ही वीडियो रखेंगे इसे। देख लीजिए किस तरह से चारों बुक जो है हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है। ये 13 हो गया और ये हो गया 14, ये ब्लॉक प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको भी एक झलक मैं दिखाता हूँ, देखिए देखिए ब्लॉक प्लेसमेंट भी इस तरह से पूरा बुक प्रिपेयर है हमारा। 13 और 14 जो है वो फर्स्ट ईयर में होता है, ठीक है। इसमें 45 डेज के लिए जो जाना होता है, इसमें 30 डेज के लिए जो जाना होता है, ये फर्स्ट ईयर का है। इसी तरह से 15 है, 15 क्या है, ये सेकेंड ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए 45 डेज का विजिट करने वाला बुक है ये। इसको एक झलक दिखाता हूँ, देखिए पूरी तरह से, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, ये इंग्लिश में है। इस तरह से पूरा बुक तैयार आपका। ऐसे 16 दिखा देता हूँ आपको, ये 16 थोड़ा अलग होता है, हाउस होल्ड स्तर पर होता है, ठीक है। ये 16 हो गया और इस तरह से आपका ये चारों बुक तैयार। तो आप देख लीजिए, ये जो 13 एंड 14 है, 13 एंड 14, 15 एंड 16, ये चार बुक है, ठीक है। ये चारों बुक जो है, ये दो फर्स्ट ईयर में है, ये दो सेकेंड ईयर में है। इसके लिए 45 डेज एक एनजीओ में, 30 से दूसरे एनजीओ में, 45 डेज तीसरे एनजीओ में, 30 डेज चौथे एनजीओ में। इस चारों बुक को करने के लिए चार डिफरेंट एनजीओ में जाना होगा आपको वर्क करने के लिए, और फिर ये बुक उसके उसी एनजीओ के बिहाफ पे तैयार होगा। वो इन चारों एनजीओ आपको सर्टिफिकेट देगी।
अपने इंटर्नशिप का, उसके भी यहाँ पे बुक ऐसे तैयार किया जाएगा। तो ऐसे तैयार करके और फिर आपको रेट प्रिपेयर करके दे देना है, स्टडी सेंटर पे जमा करना है, जो आपके फील्डवर्क सुपरवाइजर होंगे उनको। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी से छोटी बातों को आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि जो इग्नू में क्या होता है कि चूँकि आपका ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, इग्नू में कॉल रिसीव नहीं हुआ, बहुत परेशानी होती है। तो मैंने जब MSW किया था तो थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, मेरे टीचर हालांकि बहुत हेल्पफुल थे इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन फिर भी तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक सभी जानकारी को पहुंचा दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी अगर मटेरियल लेना है तो मैंने बता ही दिया, ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी में, या फिर अगर आप जैसे बहुत सारे लोग जॉब वगैरह में होते हैं तो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो आप एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया दे दूंगा, ताकि वो अपना जर्नल प्रिपेयर कर लें, कैसे इंटर्नशिप करना है ये बता दूंगा, तो वो सबसे उनको हेल्प मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैंने पहले बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ जाइए और मेरे से यही चेक व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल ना रिसीव हो तो व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, दूसरे वीडियो में फिर हम आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। थैंक यू।